हेलो एंड वेलकम, मेरा प्यार भरा सलाम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली को। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी का थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए हमारी वीडियोस पे। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि मैं और व्लॉग्स डालूँ, ताकि आप सभी लोग अपडेटेड रहें। तो माशाल्लाह से हयान को 1 मंथ पूरा कम्प्लीट हो चुका है, इसी वजह से हयान के ननियाल वाले आ रहे हैं, कह सकते हैं मेरे मायके से सभी मिलने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ ताकि मैं आप सबको भी दिखाऊँ कि आज क्या क्या। तो जब तक ये हयान सो रहा था मैंने रूम समेट लिया, अब चलते हैं किचन में। मेरी किचन की बालकनी से कैसा व्यू दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है बालकनी में खड़ा होना, इसलिए मैं बस ऐसे ही व्यू देख लेती हूँ। अभी थोड़ा ठंडा भी है। तो ये है मेरा किचनलेस किचन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खाना नहीं पकता है। यहाँ पे जब से हयान हुए हैं तो एक इंडक्शन रख लिया है, जग रख लिया है ताकि पानी बॉइल कर लेते हैं, फीडर बना लेते हैं हयान की। तो जल्दी से मैं हयान की फीडर बना लेती हूँ ताकि फीड कराने के बाद मैं टॉप फीड उसको करा सकूं। हमारी फीडर रेडी हो चुकी है, चलते हैं अपने रूम में। तो यहाँ पे हयान मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये जाग चुके हैं। पहले मुझे इनका डायपर चेंज करना है, क्योंकि ये सो रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। तो पहले मैं डायपर चेंज कर लूंगी और उसके बाद मैं फिर फीड कराऊंगी। मैं यूज करती हूँ बमटम का डायपर चेंजिंग मैट। ये ड्राई शीट्स होती हैं जो कि वाटरप्रूफ है, प्लस ये एंटी बैक्टीरियल होती हैं। और एसेंशियल्स में मैं यूज करती हूँ हिमालय का बेबी पाउडर और डायपर रैश क्रीम। और मैं वेट वाइप्स यूज करती हूँ बमटम के। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बमटम के डायपर्स, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये जल्दी से हयान का डायपर चेंज कर लेते हैं। डायपर चेंज हो चुका है, अब बारी है हयान की फीडिंग की। तो जल्दी से मैं फीड करा देती हूँ, उसके बाद बर्फ कराने के बाद इनका टमी टाइम आएगा। अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मिनट हो चुके हैं हयान को फीड कराए, अब मैं टमी टाइम करा रही हूँ। क्योंकि अगर आप फीडिंग के इमीडिएटली बाद टमी टाइम कराते हैं तो चांसेस है वॉमिटिंग या डिस्कम्फर्ट के। बेबीज में टमी टाइम बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मैं दिन में 3 से 4 बार टमी टाइम कराती हूँ, इससे बैक के, आर्म के और शोल्डर के जो मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रेंथ होते हैं। तो मैं ये फीडिंग पिलो ही यूज करती हूँ हयान के टमी टाइम के लिए। आज शाम में क्या पहनाऊं हयान को ये मैं डिसाइड कर रही थी। तो ये हयान को गिफ्ट में मिला था, तो या तो मैं ये सोच रही हूँ पहना दूं, या एक और गिफ्ट है ये भी मैं चेक कर लेती हूँ, ये भी पहनाया जा सकता है। मुझे ये ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये गुची का है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। मुझे ये मटेरियल कॉर्डरॉय लग रहा है, जिसे हम अपनी भाषा में कॉटराइज कहते हैं, जो कि बच्चों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, बट ये इतना प्यारा लग रहा है मुझे कि मैं सोच रही हूँ इसे ही पहना लेती हूँ। ये फुल स्लीव्स शर्ट और बॉटम सेट है गुची का, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो मैं जल्दी से हयान को रेडी कर लेती हूँ ताकि उसके बाद मैं भी फिर रेडी हो जाऊँ। हयान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं आउटफिट चेक। माशाल्लाह मेरा बेबी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब देरी नहीं करते हैं, जल्दी से मैं भी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मम्मी पापा ऑन द वे हैं। तो सभी लोग आ गए हैं माशाल्लाह से, नाश्ता भी शुरू हो गया है। माशाल्लाह से अप्पी, जीजू और अप्पी के सास ससुर भी आए हुए हैं। आइए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करिए। और एज यूजुअल हमारी प्यारी सी हुनैजा सबको परेशान करते हुए ये रहीं। तो बर्थ अनाउंसमेंट की मिठाई भी बनकर आ चुकी है, ये रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नेबर्स में जानी है। ये रही अम्मी, अप्पी और अप्पी की सास। नाश्ता करने के बाद थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद मम्मी लोग बालकनी छत पे गई। अप्पी की सास फर्स्ट टाइम घर पे आई थी तो अप्पी की सास को घर दिखाया गया। नाश्ता करके थोड़ा बहुत टहलने के बाद अप्पी, अम्मी लोग, सभी लोग गिफ्ट्स लाए थे हयान के लिए। रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। तो सारी चीज़ें पैक्ड थी, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने अप्पी से कहा चलिए जल्दी से ओपन करते हैं सारी चीज़ें, और ऐसे ओपन करते हैं ताकि आप लोगों को भी हम दिखा सकें क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं हयान के लिए। ये और भैया मिलके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं बड़े पैकेजेस की, हम लोग छोटे पैकेजेस की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये आर फॉर रैबिट की इन्फेंट कार सीट है, जो कि कैरी कॉट की तरह भी वर्क करता है। जब तक ये बॉक्स ओपन हो रहा है मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। तो हयान के लिए प्राम भी आया है, अच्छी बात है, अब हम लोग को हयान को गोदी में हर जगह नहीं लेना पड़ेगा। और चीजें आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही प्यारा बेडिंग सेट है, बाकी जो भी क्लोथ्स हयान के लिए आए हैं वो भी सेट कर रही है। तो कार सीट की अनबॉक्सिंग हो गई है, चलिए आपको दिखाते हैं कैसी लग रही है ये। सो इस कार सीट पे मेंशन है कि इसमें 4 मोड्स हैं। एक है रॉकिंग मोड, कि आप बच्चे को सुला सकते हैं, बाकी ये कैरी कॉट भी है और इसमें फीडिंग मोड भी है।
बॉक्सिंग करो, बॉक्सिंग बॉक्सिंग नहीं 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 भैया ने बॉक्सिंग नहीं किया क्या मतलब इतना दुख जाए मतलब तुम की चुप करो भाई आई बना रहे हो तो बस मीटिंग बंद कर लो मुन्ना ये बड़ी लड़की के लिए है ना छोटी के लिए नहीं है फोटो भी सर हां फोटो भी सर दोनों का पत्थर एक जैसा हो गया सो ढेर सारे फोटो सेशन के बाद बारी आई डिनर की, तो डिनर हम सब ने मिल के साथ में किया और यहीं पे मैं वीडियो एंड करूंगी क्योंकि इसके बाद सब फिर खाना खा के घर गए। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।